नमस्कार बच्चों, आज केमिस्ट्री की इस क्लास में आप डी तथा एफ ब्लॉक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। 11th क्लास में आप लोगों ने परमाणु संरचना के बारे में पढ़ा है, जिसमें आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हैं और ये ऑर्बिट चार हैं, एस, पी, डी और एफ। आवर्त तालिका में तत्वों को, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसमें तत्वों को इन ऑर्बिट एस पी डी एफ के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। और इस आवर्त तालिका में वे तत्व जो कि जिसमें कि इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिट में प्रवेश करते हैं, उन तत्वों को हम डी ब्लॉक तत्व और जिनमें एफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उन्हें एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो इन तत्वों के बारे में या इनकी जो सामान्य संरचना या सामान्य गुण हैं, उनके बारे में हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको आवर्त तालिका को देखना होगा। आप देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म, इसमें आप देख रहे हैं कि बीच के जो 10 तत्व हैं, शुरू में एस ब्लॉक एलिमेंट है जिनमें कि इलेक्ट्रॉन अंतिम एस ऑर्बिट में जाते हैं, और लास्ट के ग्रुप 13 से 18 तक के जो तत्व हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिट में प्रवेश करते हैं, इसलिए इनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं संक्रमण तत्व हैं, इन्हें हम डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। ये समूह अपने वर्ग 3 से स्टार्ट होके 12 तक जो समूह है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। आप देख रहे हैं स्कैंडियम से ये तीसरा वर्ग है और तीसरे से 12 तक का, इन तत्वों को हम डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। अभी मैंने जैसे आपको परमाणु संरचना के बारे में बताया, मैंने पूरे वर्ग लिखे हुए हैं, ऑर्बिट लिखे हुए हैं एस पी डी और एफ, इनमें इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम संख्या भी हमने लिखी है। एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। डी कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है जिनमें के इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिट में प्रवेश करते हैं वे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डेफिनेशन देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट की, वे तत्व जिनके परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में पाए जाते हैं डी समुदाय या डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों की विशेषता है कि इनके अंतिम 2 कक्ष अपूर्ण होते हैं। और यदि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो आप देख रहे हैं N-1 मतलब बाहरी कक्ष से भीतर का कक्ष, टोटल मान लीजिए अगर 4 कक्षक हैं तो अंदर का तीसरा कक्षक, उसके डी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। और आप देख रहे हैं डी जो वर्ग है वो 10 तत्वों को रखा गया है, 10 वर्ग आवर्त में 10 तत्व हैं। तो इस तरह जो सबसे पहला तत्व होगा उसमें डी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और इस तरह ये बढ़ते हुए क्रम में जाकर लास्ट में डी ऑर्बिट के 10 इलेक्ट्रॉन इसमें कंप्लीट हो जाएंगे और इस तरह जो अंतिम तत्व होगा वो पूर्ण होगा। तो इस तरह हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे डी ब्लॉक समुदाय की। एक बार फिर से रिपीट करूंगी, वे तत्व जिनके परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख रहे हैं, इनकी बाहरी कक्ष से भीतरी कक्ष जो होता है सबसे लास्ट वाले के भीतर का, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। अब आवर्त तालिका में स्थान देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि आवर्त तालिका में ये तत्व जो है एस ब्लॉक तत्व और पी ब्लॉक तत्व के बीच में रखे हैं। एक बार हम फिर से पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। यहाँ देखिए जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो 2 वर्ग है, पहला और दूसरा वर्ग, और 13 से लेकर 18 तक जो वर्ग हैं वो पी ब्लॉक तत्व हैं। इसके बाद जो बीच के वर्ग 3 से लेकर 12 तक के जो तत्व हैं वे ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इस तरह हम इसकी पोजीशन देख रहे हैं कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक तत्वों को रखा गया है। इस तरह हम आवर्त तालिका में इनकी पोजीशन देख रहे हैं। क्योंकि ये तत्व एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं, आप जानते हैं एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो प्रबल धनात्मक प्रकृति को दर्शाते हैं और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वे ऋणात्मक होते हैं।
इन तत्वों को इनके बीच में रखा गया है। यहाँ पर ये जो तत्व हैं, वो धीरे धीरे गुणों में को परिवर्तित करते हैं, मतलब धनात्मक गुण से ऋणात्मक की ओर जाते हैं। इस तरह इनमें गुणों का संक्रमण होता है, मतलब धीरे धीरे धनात्मक गुण कम होता जाता है और ऋणात्मक गुण बढ़ता जाता है। इसलिए इन तत्वों को संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर आपने अभी देखा कि जो एस ब्लॉक तत्व हैं वो प्रबल धनात्मक हैं और जो पी ब्लॉक तत्व हैं वो प्रबल ऋणात्मक तत्व हैं। इन तत्वों को इनके बीच में रखा गया है क्योंकि यहाँ से धीरे धीरे धनात्मकता कम होती जाती है और ऋणात्मकता की ओर ये गुण बढ़ते जाते हैं। इस तरह इनमें गुणों का संक्रमण होता है, अतः इन्हें संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। आपको तो अगर उदाहरण दिखाऊं एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट का, आप उदाहरण देखें, आप ये उदाहरण देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश कर रहा है। आप देख रहे हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसमें देखिए लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो एस कक्षक में जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, एस समुदाय का तत्व। एल्यूमिनियम में देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी कक्षक में, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, पी समुदाय का तत्व। अब डी में देखिए स्कैंडियम, जो कि हमारी संक्रमण श्रेणी का सबसे पहला तत्व है, इसमें आप देख रहे हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन डी वन है, मतलब इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी में, इसलिए इसको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और इसी तरह आप एफ ब्लॉक एलिमेंट में देख रहे हैं जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एफ कक्षक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए यह है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है। संक्रमण तत्व जो होते हैं वो चौथे आवर्त से शुरू होते हैं। इन तत्वों के यदि हम गुण देख रहे हैं तो देखिए डी समुदाय के वे तत्व जिनमें एन माइनस वन, मतलब अंतिम से पूर्व कक्ष का उपकक्ष अपूर्ण होता है, वो डी समुदाय के तत्व हैं। अगर इस सीरीज में हम देखते हैं तो सबसे अंतिम तत्व में डी कक्षक पूर्ण हो जाता है, जैसे उदाहरण कॉपर, कैडमियम और मरकरी। अभी जो हमने डेफिनेशन आपको डी ब्लॉक एलिमेंट की बताई उसमें बताया है कि इनमें डी कक्ष अपूर्ण होता है, जबकि कॉपर, कैडमियम, मरकरी में डी कक्ष पूर्ण हो जाता है। तो हमको इसको रखना चाहिए डी कक्षक में, नहीं रखना चाहिए, परंतु क्योंकि इसके गुण में काफी समानता है डी कक्षक से, इसलिए इनको डी ब्लॉक एलिमेंट में ही रखा जाता है। और क्योंकि इनमें कक्ष पूर्ण है इसलिए थोड़ी बहुत असमानता भी डी ब्लॉक एलिमेंट से दर्शाते हैं। ये तत्व हैं कॉपर, कैडमियम और मरकरी। संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको अगर हम उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बांटते हैं तो ये इनको चार श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी, इसी तरह चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। तीसरे आवर्त से ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व शुरू होते हैं। अब ये तो आपको मालूम होगा कि डी ब्लॉक तीसरे आवर्त से क्यों शुरू होता है, क्योंकि पहले कक्षक में डी ऑर्बिट नहीं होता है, पहले कक्षक में केवल एस ऑर्बिट होता है, इसलिए पहला आवर्त डी कक्षक डी ब्लॉक एलिमेंट उसमें नहीं होते हैं। फिर अगर हम दूसरे कक्षक में जाते हैं तो आपको मालूम है इसमें दो ऑर्बिट होते हैं, दो कक्षक होते हैं एस एंड पी, इसलिए दूसरे में भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं आते हैं। हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू होते हैं तीसरे आवर्त से, क्योंकि तीसरे कक्षक में डी ऑर्बिट या डी उपकक्षक पाया जाता है। तो तीसरे आवर्त से हमारी प्रथम संक्रमण श्रेणी शुरू होती है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करते हैं, 3D में, इसलिए इसे प्रथम संक्रमण श्रेणी कहा जाता है या इसे 3D श्रेणी कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी 4D श्रेणी, तृतीय श्रेणी को 5D श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी को 6D श्रेणी कहते हैं। अब अगर हम इन श्रेणियों को देखते हैं तो आप ये देख रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पूरा संक्रमण श्रेणियां आप देख रहे हैं, 10 तत्व इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं लाइन से, और तीसरा आवर्त जो 3D श्रेणी है उसको आप देख रहे हैं, जो स्कैंडियम से शुरू होती है और जिंक पर जाकर खत्म होती है, स्कैंडियम और जिंक।
स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 21, एटॉमिक नंबर 21 और जिंक का 30। जिंक तक जाते जाते डी कक्षक पूर्ण हो जाता है। इस तरह यह हमारी प्रथम संक्रमण श्रेणी है। दूसरी श्रेणी आप देख रहे हैं इट्रियम से शुरू होकर कैडमियम पर खत्म हो रही है, और तीसरी श्रेणी जो है इसमें केवल लैंथेनम डी ब्लॉक में आता है, और लैंथेनम के बाद आप देख रहे हैं इसका एटॉमिक नंबर 57 है और उसका नेक्स्ट हैफनियम का 72 है। बीच के जो तत्व हैं इनमें इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करने लगता है, इसलिए लैंथेनम के बाद के 14 तत्वों को आवर्त तालिका में नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट में रखा गया है। जब ये 14 तत्व पूरे हो जाते हैं फिर हमारा एटॉमिक नंबर आता है 72 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिर से डी कक्षक में प्रवेश करने लगते हैं, इसलिए हैफनियम से फिर इनको डी कक्षक में रखा गया है और ये जाकर खत्म होते हैं मरकरी पर, जहाँ पर कि डी कक्षक पूर्ण हो जाता है। इसी तरह अगर हम 6D श्रेणी या संक्रमण श्रेणी की चौथी श्रेणी में आते हैं तो इसमें एक्टिनियम के बाद आप देख रहे हैं एक्टिनियम का 89 एटॉमिक नंबर है और रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर 104 है। बीच के जो तत्व 14 तत्व हैं उनको फिर पीरियोडिक टेबल में आवर्त तालिका में नीचे रखा गया है, जिनको हम कहते हैं एक्टिनाइट्स। एक्टिनाइट के बाद के जो 14 तत्व हैं उनको हम एक्टिनाइट, और इसी तरह लैंथेनम के बाद के 14 तत्वों को लैंथेनाइट कहते हैं, और ये दोनों श्रेणियां जो हैं वो एफ ब्लॉक तत्व की श्रेणियां कहलाती हैं। तो अभी तो हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, जब ये पूर्ण होगा तब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जाएंगे। तो अब इस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपको संक्रमण तत्वों की या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 4 श्रेणियां दिखाई दे रही हैं, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D और 6D। इसमें आप इस तरह बता सकते हैं कि पहली श्रेणी स्कैंडियम से स्टार्ट होकर जिंक पर खत्म होती है, दूसरी ट्रियम से कैडमियम तक, और तीसरी लैंथेनम, लैंथेनम के बाद फिर हैफनियम से मरकरी तक, और इसी तरह एक्टिनियम, और एक्टिनियम के बाद रदरफोर्डियम से अननेबियम तक। इस तरह से ये आप 4 श्रेणियां ट्रांजिशन एलिमेंट्स की देख रहे हैं। अब हम आते हैं संक्रमण धातु की विशेषताएं। संक्रमण धातुएं जो हैं, आप जैसा नाम से समझ रहे धातुएं हैं, तो ज्यादातर इनमें जो गुण होंगे वो किसके होंगे, धातु के गुण होंगे, और धातु के गुण से आप लोग सभी परिचित हैं। धातु अधातु बहुत पहले आप लोग पढ़ चुके हैं इनके गुणों के बारे में, तो आपने पढ़ा है कि धातुएं कठोर होती हैं, तो इसी तरह ये संक्रमण धातुएं भी कठोर तथा उच्च गलनांक वाली होती हैं। सामान्यतः जो धातुएं हैं वो बहुत क्रियाशील होती हैं, परंतु संक्रमण धातुएं उनसे थोड़ी अलग होती हैं, ये कम क्रियाशील होती हैं। अभी तो हम केवल गुण देख रहे हैं, फिर हम इनके कारण भी पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसको डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद इनके गुण होते हैं, ये रंगीन आयन देती हैं, इनके जो तत्व होते हैं वो जो यौगिक बनाते हैं वो रंगीन होते हैं। सामान्यतः जो धातुएं हैं उनके लवण होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ज्यादातर व्हाइट होते हैं, परंतु संक्रमण धातुएं जो होती हैं इनके यौगिक रंगीन होते हैं। ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, इनकी परिवर्ती संयोजकता होती है, ये उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं, और अरस समीकरण मितीय यौगिक बनाते हैं। इन गुणों को समझने के पहले आप देखें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप देख रहे हैं स्कैंडियम में डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन जाता है। यहाँ ऑर्गन का जो से इसको हमने कंपेयर करा है, इसका डी कक्षक पूर्ण है, कि टाइटेनियम में देखिए 1, इसमें 2, 3 ऐसे करके सबसे लास्ट जो तत्व है जिंक, उसमें हमारा डी कक्षक पूर्ण हो जाता है और ये 10 हो जाता है। तो इस तरह हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखते हैं तो संक्रमण प्रत्येक संक्रमण श्रेणी का जो पहला तत्व होगा उसके डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन, और जो अंतिम होगा उसके डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस तरह से उसका कक्षक पूर्ण होगा। अभी जो आप देख रहे हैं ये प्रथम संक्रमण श्रेणी देख रहे हैं या 3D श्रेणी देख रहे हैं। इसी तरह हम अलग अलग आवर्त की श्रेणियां देखेंगे, और उसमें ये देखिए ये पीरियड 5 का देख रहे हैं, इसमें देखिए पहला तत्व D1 है और लास्ट तत्व D10 है। इस तरह इसका कक्षक पूर्ण हो रहा है।
अब हम इनके गुणों को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने बताया कि ये जो संक्रमण तत्व होते हैं वे धातु तत्व होते हैं, संक्रमण धातु ही इनको कहा जाता है, तो इनके इनमें धात्विक लक्षण पाए जाते हैं। धात्विक लक्षण मतलब क्या होता है? वे तत्व जो कि इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं या धनात्मक प्रकृति दर्शाते हैं। यहाँ हम देखेंगे इनके बाह्यतम कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन, वो बाहरी कक्ष से भीतर वाले कक्ष में प्रवेश करते हैं। तो बाहरी कक्ष में तो हमेशा कितने? दो इलेक्ट्रॉन हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ये धात्विक बंध बनाते हैं। धात्विक बंध के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि धातु के तत्व जो परमाणु होते हैं वे आपस में बंध बनाते हैं, और इन बंध को हम धात्विक बंध कहते हैं। कैसे बनते हैं धात्विक बंध? इसमें जो अपूर्ण कक्षक होते हैं वो एक दूसरे का अतिव्यापन करके सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो यही गुण इन संक्रमण तत्वों में पाया जाता है। इस तरह से ये धात्विक लक्षण को दर्शाते हैं। दूसरा गुण, परमाण्विक त्रिज्याएं। अगर हम संक्रमण तत्वों को देखें तो संक्रमण तत्व एस और पी ब्लॉक के मध्य में रखे गए हैं, तो इनकी जो परमाण्विक त्रिज्या है, परमाण्विक त्रिज्या आप लोग जानते होंगे, आप में से कोई बताएगा परमाण्विक त्रिज्या किसे कहते हैं? क्या है परमाण्विक त्रिज्या? परमाण्विक त्रिज्या किसे कहते हैं? मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? परमाण्विक त्रिज्या क्या है? चलिए समझिए। परमाण्विक त्रिज्या किसी भी परमाणु के नाभिक से, उसके नाभिक के केंद्र से उसके बाह्यतम कक्ष की दूरी को कहते हैं परमाण्विक त्रिज्या। तो यहाँ पर अगर हम संक्रमण तत्वों को देखें तो इनकी परमाण्विक त्रिज्या एस ब्लॉक तत्व की अपेक्षा छोटी होती है, लेकिन पी ब्लॉक तत्व की अपेक्षा इनकी परमाण्विक त्रिज्या बड़ी होती है। और यदि हम इनकी परमाण्विक त्रिज्या को देखते हैं तो पहले परमाण्विक त्रिज्या घटती चली जाती है, और मध्य भाग तक पहुंचने के बाद फिर इनकी परमाण्विक त्रिज्या स्थिर हो जाती है, और स्थिर होने के बाद फिर थोड़ी देर बाद इनकी परमाण्विक त्रिज्या कुछ तत्वों के बाद बढ़ने लगती है। तो इस तरह हम अगर परमाण्विक त्रिज्या को देखते हैं तो पहले परमाण्विक त्रिज्या एस ब्लॉक से, तो इनकी परमाण्विक त्रिज्या जो है वो छोटी है, और पी ब्लॉक तत्वों की अपेक्षा बड़ी होती है। परमाण्विक त्रिज्या मध्य भाग तक घटती है और तीन चार तत्वों तक स्थिर रहती है, और उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू कर देती है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं एटॉमिक रेडियाई का, कि किस तरह से, देखिए पहले सबसे बड़ा आकार है, फिर ये घटती गई, उसके बाद ये स्थिर रही, और स्थिर रहने के बाद थोड़ा बहुत इसके आकार में अंतर आता है और फिर से इनका आकार बढ़ने लगता है। परमाण्विक त्रिज्या में वृद्धि करने का कारण क्या है? आप देखेंगे कि परमाणु का आकार दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला होता है नाभिक का आकर्षण बल, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण या परिरक्षण प्रभाव। यदि नाभिक में आवेश बढ़ता जाए, आप देखते हैं कि यदि हम एक आवर्त की बात करें तो इसमें कक्ष की संख्या वही रहती है, केवल उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ेगी, और इस तरह से नाभिक में आवेश बढ़ने लगता है। और नाभिक का अगर आवेश बढ़ेगा तो जो अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं, और इस तरह आकर्षित होने से क्या होगा? परमाण्विक त्रिज्या घटने लगती है। तो जैसे जैसे एक ही आवर्त में परमाणु संख्या जब बढ़ती है, या उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, तो उसकी त्रिज्या कम होने लगती है। परंतु डी कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें परिरक्षण प्रभाव पाया जाता है। अभी परिरक्षण प्रभाव क्या है? जब नाभिक इलेक्ट्रॉनों को प्रोटॉन जब आकर्षित करते हैं तो उनके मध्य में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो क्योंकि समान आवेश वाले होते हैं तो वो उन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस तरह से किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर दो बल कार्य करने लगते हैं। एक होता है आकर्षण बल जो कि नाभिक के द्वारा लगाया जा रहा है, और दूसरा होता है प्रतिकर्षण बल जो कि उसके मार्ग में आने वाले
इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा लगाया जा रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो बल लगता है वो नाभिक की आकर्षण का प्रतिरोध करती है, मतलब नाभिक जब उनको आकर्षित करेगा तो वो उसको रोकती हैं। अब जो डी कक्षक होते हैं, इनमें जो आंशिक पूर्ण कक्षक होते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका परिरक्षण प्रभाव अधिक होता है। और जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, परिरक्षण प्रभाव जो है वो इसको बैलेंस करेगा, और इस तरह से ना तो आकार बढ़ेगा और ना ही आकार घटेगा, क्योंकि नाभिक के आकर्षण को ये बैलेंस कर लेगा। इसलिए मध्य में जाने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है इसका परमाणु का आकार निश्चित हो जाता है। और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद, क्योंकि नाभिक में आवेश लगातार बढ़ता जा रहा है, बहुत अधिक आवेश होने के कारण पुनः इनका परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण फिर से आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से परमाणु का जो आकार है वो दो चीजों के कारण बैलेंस होता है, नाभिकीय आकर्षण और प्रतिकर्षण। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो आप देखेंगे, हाँ, यहाँ आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहले डी कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन है, फिर तीन इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब कैसे हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनमें बंध बनाने की क्षमता अधिक होती है। और यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण धीरे धीरे इनकी कक्ष की संख्या, परमाणु का आकार बढ़ता चला जाएगा। परंतु बाद में आप देख रहे हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जा रही है। यहाँ देखिए, आयरन में देखें, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह गई है? केवल चार रह गई है। उसके बाद कोबाल्ट में देखते हैं, तीन रह गई है। उसके बाद निकिल में देखेंगे, उसमें केवल दो रह गई है। और धीरे धीरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जा रही है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने के कारण फिर से परमाणु का आकार बढ़ने लग जाता है। तो इस तरह से हमने परमाणविक त्रिज्या का अध्ययन करा कि परमाणविक त्रिज्या पहले तो घटेगी और उसके बाद बीच में स्थिर हो जाएगी और फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देती है। अब आते हैं आयनिक त्रिज्या पर। जैसे मैंने परमाणविक त्रिज्या की परिभाषा बताई कि परमाणु के नाभिक के केंद्र से अंतिम कक्ष की दूरी को हम कहते हैं परमाणविक त्रिज्या, उसी तरह आयनिक त्रिज्या क्या होगी? किसी आयन के केंद्र से उसके बाह्यतम कक्ष की दूरी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। आयनिक त्रिज्या अगर हम एक ही आवर्त में देखें तो एस ब्लॉक तत्वों की अपेक्षा डी ब्लॉक तत्वों की आयनिक त्रिज्या छोटी होती है, परंतु परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था के कारण आयनिक त्रिज्याएं भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था के लिए परिवर्तित होती जाती हैं, क्योंकि ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ये अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। इसमें अंतिम कक्ष में से ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, और क्योंकि एस और डी ब्लॉक के जो कक्षक हैं इनकी ऊर्जा में ज्यादा अंतर नहीं होता, तो अगर इनको और अधिक ऊर्जा दी जाए तो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी ये त्यागने लगते हैं, और इस तरह से ये अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, और इसी आधार पर उनकी आयनिक त्रिज्या निर्भर करती है। इसलिए इनके आयनिक त्रिज्या में भी अंतर होता जाता है, जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बदलेगी वैसे वैसे इनकी आयनिक त्रिज्या भी परिवर्तित होती है। अब कैसे परिवर्तन होता है आयनिक त्रिज्या में? आप देख रहे हैं बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन निकलने पर आयनिक त्रिज्या कम हो जाती है। जैसे सबसे बाहरी कक्ष में मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन भी निकल गया तो अंतिम कक्ष हट गया, और इस तरह से क्या होगा? आयन की त्रिज्या कम हो जाएगी। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आंतरिक उपकोष से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि डी कक्षक के अंतिम दो कक्ष अपूर्ण होते हैं, तो अगर कम ऊर्जा होगी तो केवल बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, परंतु अगर उसको और अधिक ऊर्जा दे दी जाए तो बाहर के भीतर वाला जो कक्ष है उसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन वो त्यागने लगते हैं। और यदि मान लीजिए उस कक्ष के भी इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो आयन और छोटा हो जाएगा और उसकी आयनिक त्रिज्या और कम हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, यदि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ गई है तो आयनिक त्रिज्या कम होती जाएगी। एक ही आवर्त में एस ब्लॉक के तत्वों की अपेक्षा डी ब्लॉक के तत्वों की आयनिक त्रिज्याएं छोटी होती हैं, ठीक है।
जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनकी आयनिक त्रिज्याएं छोटी होती हैं। क्या कारण हो सकता है इसका? क्योंकि इनमें नाभिकीय आवेश अधिक होता है। नाभिकीय आवेश अधिक होने के कारण क्या होगा? आकर्षण बल अधिक होगा, बाहर का जो कक्ष है वो नाभिक की तरफ अधिक आकर्षित होगा और इससे उसकी आयनिक त्रिज्या कम हो जाएगी। अतः डी ब्लॉक के तत्वों की आयनिक त्रिज्या छोटी होती है। तो अभी हमने दो गुण पढ़ लिए, पहला है परमाणविक त्रिज्या और दूसरा आयनिक त्रिज्या। आप देखिए धात्विक लक्षण, थोड़ा बहुत धात्विक लक्षण के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप और देखेंगे क्यों ये धात्विक लक्षण दर्शाती हैं। संक्रमण तत्वों में सभी धात्विक लक्षण पाए जाते हैं, परंतु जो सामान्य धातुएं हैं उनकी तुलना में ये कठोर होते हैं। आपने ऐसी धातुएं भी पढ़ी हैं जैसे सोडियम इतना नरम होता है जिसको आप चाकू से काट सकते हैं, तो वो भी धातु है, परंतु जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो सामान्य धातुओं की तुलना में अधिक कठोर होती हैं, और अधिक कठोर होने के कारण क्या होता है, ये भंगुर भी अधिक होती हैं। इनमें धात्विक गुण के साथ साथ सहसंयोजी गुण पाया जाता है। आपने जो सामान्य धातुएं पढ़ी है उसमें कौन से गुण पढ़े हैं? आयनिक गुण। जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागता है, वो सहसंयोजकता नहीं दर्शाता है, परंतु जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो आयनिक के साथ साथ सहसंयोजी गुण भी दर्शाती हैं। इनमें जो डी कक्षक होते हैं वो अतिव्यापन करके, अतिव्यापन का गुण सहसंयोजी यौगिकों में पाया जाता है, तो ये संक्रमण धातुएं अतिव्यापन का गुण दर्शाती हैं। और इसमें जो डी कक्षक होते हैं, एक परमाणु का डी कक्षक दूसरे परमाणु के डी कक्षक का अतिव्यापन करके सहसंयोजी बंध बनाता है। किसी भी धातु में जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ज्यादा अतिव्यापन कर सकता है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो कम अतिव्यापन होगा, दो होंगे तो और ज्यादा, तीन होंगे तो और ज्यादा। आपने देखा है कि डी कक्षक में मैक्सिमम 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है? तो अगर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो 5 का अतिव्यापन होगा, और जितना ज्यादा अतिव्यापन होगा धातु उतनी ज्यादा उसके जो बंध होंगे वो उतने मजबूत होंगे, और मजबूत होने के कारण धातु उतनी ज्यादा कठोर होने के साथ साथ भंगुर होगी। तो इसलिए जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो मेटलिक प्रॉपर्टी या धात्विक लक्षण को दर्शाते हैं। एक बार फिर से देखें, जो संक्रमण धातुएं हैं वे धात्विक लक्षण को दर्शाती हैं। इसका कारण यह है कि ये धात्विक आयनिक बंध बनाने के साथ साथ सहसंयोजी गुण भी इनमें पाया जाता है। और किसी परमाणु में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जितनी ज्यादा संख्या होगी उसमें अतिव्यापन उतना ही ज्यादा होगा। मतलब जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा अतिव्यापन और उतनी ज्यादा धातु कठोर। तो अगर एक से हम 5 तक जाते हैं तो पहले जो पहला जो तत्व है उसमें केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 और 5। 5 जब भर जाते हैं डी कक्षक में, आपको सब मालूम है कि पहले सब अर्धपूरित कक्षक हो जाते हैं, उसके बाद उनकी पेयरिंग शुरू होती है। तो 5 के बाद फिर क्या होगा, पहले की पेयरिंग हो जाएगी तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केवल 4 रह जाएंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1। धीरे धीरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिर से कम होने लगेगी। तो मैक्सिमम अतिव्यापन कहाँ होगा, जब 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहाँ धातु सबसे ज्यादा कठोर और भंगुर होगी, सबसे ज्यादा उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी वो शो करेगा। अब हम देखते हैं गलनांक और क्वथनांक। आपको मालूम होगा कि गलनांक और क्वथनांक का संबंध होता है किसी परमाणु से अणु बनने में उनके बीच में जो बंध बनते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैंने बताया कि संक्रमण धातुओं में अतिव्यापन होता है, जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा अतिव्यापन। तो अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा बंध क्या होंगे, उतने ज्यादा मजबूत होंगे, और बंध मजबूत होंगे तो उनके गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होंगे, क्योंकि उन बंध को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो निश्चित है उनके गलनांक भी उच्च होंगे और उनके क्वथनांक भी उच्च होते हैं। तो इसलिए संक्रमण धातुएं जो होती हैं इनके गलनांक और क्वथनांक पहले बढ़ेंगे। वही कारण जैसे मैंने अभी बताया था कि 1 से 5 तक क्या होगा, एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। जब 5 अर्धपूरित कक्षक हो जाएंगे उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू होगी, तो फिर से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने लगेगी। इसीलिए इनके गलनांक पहले बढ़ते हैं और फिर
घटना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही पेयरिंग शुरू होगी इनके गलनांक और क्वथनांक कम होने लगेंगे। तो इनके अब देखें तो इनके गलनांक और क्वथनांक सामान्य धातुओं से अधिक होते हैं और पहले ही गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं और उसके बाद पुनः घटने लगते हैं। अभी मैंने आपको कारण बताया, वही कारण आप सामने देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ साथ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि होती है जिससे गलनांक और क्वथनांक बढ़ते हैं, परंतु D5 विन्यास के बाद युग्मन होने से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पुनः कम होने लगती है जिससे गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। और जो अभी मैंने बताया कि जो लास्ट वाला जो तत्व होता है संक्रमण श्रेणी में उसमें कक्षक पूर्ण होते हैं इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। रीजनिंग में कई बार पूछा जाता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी ये धातुएं संक्रमण धातुएं हैं फिर भी इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न क्यों होते हैं, तो इसका कारण आप दे सकते हैं कि इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना होने के कारण इनमें जो बंध बनते हैं वो बहुत कम होते हैं और कम मजबूत होते हैं और इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। तो इस तरह से हमने इनके गलनांक क्वथनांक, धात्विक लक्षण, परमाणविक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या इन सब के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो तत्व होते हैं इनके अभी हम सामान्य गुण ही देख लेते हैं क्योंकि एक एक गुण को डिस्क्राइब करने के लिए काफी समय लगेगा, तो अभी हम एक जनरल गुण और इनके देख लेते हैं। जैसे इनकी आयनिक ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, आयनीकरण ऊर्जा या आयनन ऊर्जा, संक्रमण तत्व की आयनन ऊर्जा, आयनीकरण ऊर्जा किसे कहते हैं, आयनन ऊर्जा किसी भी परमाणु में से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। तो जो संक्रमण तत्व होते हैं इनकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है क्योंकि इनमें से पी ब्लॉक तत्वों से कम और एस ब्लॉक तत्वों से अधिक होती है क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आयनन ऊर्जा के बाद दूसरा गुण हम सामान्य गुण इसका देख लेते हैं, वो है उत्प्रेरक का गुण, उत्प्रेरकीय गुण। ये धातुएं जो होती हैं वो उत्प्रेरक का गुण दर्शाती हैं। इसका कारण है इनकी ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग होती है और ऑक्सीकरण अवस्था होने के अलग अलग होने के कारण ये अलग अलग तत्वों से उपसहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। उपसहसंयोजी यौगिक क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण अवस्था दिखे तो इनमें बहुत सारी मुक्त संयोजकताएं होती हैं और मुक्त संयोजकता होने के कारण ये एक अच्छे उत्प्रेरक की तरह कार्य करती हैं। इनकी अलग ऑक्सीकरण का आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं, ये जैसे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग हम उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। इसके अलावा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हम संपर्क विधि में प्रयोग करते हैं। अधिकतर जो उत्प्रेरक धातुएं हैं वे सभी संक्रमण धातुएं होती हैं, उसका कारण क्योंकि इनमें परिवर्ती संयोजकता पाई जाती है। इसके बाद ये धातुएं चुंबकीय गुण को दर्शाती हैं। ये सभी धातुएं अनुचुंबकीय गुण को दर्शाती हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने पहले चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ा है, उसमें आपने देखा था कि जो जिन परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वे अनुचुंबकीय गुण को दर्शाते हैं। और अभी आपने पढ़ा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनमें बहुत से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये तत्व जो होते हैं ये चुंबकीय या अनुचुंबकीय गुणों को दर्शाते हैं। और क्योंकि और ये अनुचुंबकीय गुण जैसा मैंने अभी बताया था कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे अनुचुंबकीय गुण भी बढ़ता जाएगा और D5 के बाद पुनः इनका अनुचुंबकीय गुण कम होता चला जाएगा। इसके बाद इनका नेक्स्ट गुण है संकुल यौगिक का निर्माण। संकुल यौगिक मतलब उपसहसंयोजी यौगिकों का निर्माण। और उपसहसंयोजी यौगिक कौन से तत्व बनाते हैं, जिनकी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होती है जो परिवर्ती संयोजकता को दर्शाते हैं, तो इसलिए ये यौगिक संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। उपसहसंयोजी यौगिक के लिए आपने एक अलग ही चैप्टर पढ़ा है उपसहसंयोजी संयोजकता,
इस चैप्टर में आपने पढ़ा है किस तरह से उपसर्ग संयोजी यौगिक बनते हैं, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वे संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। संकुल यौगिक के निर्माण के बाद ये यौगिक जो होते हैं वे मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। ये देखिए संक्रमण धातुओं का आकार लगभग इनके जो परमाणु होते हैं इनके आकार जो परमाणु का आकार बड़ा होता है और बड़े होने के कारण इनका जो क्रिस्टल जालक होता है, आप डायग्राम देखेंगे इस तरह से क्रिस्टल जालक जो होता है इनके बीच में काफी स्पेस होता है। और ये दो प्रकार की मिश्र धातु हैं, आपने सॉलिड स्टेट में अलग अलग मिश्र धातुओं के बारे में पढ़ा है, दो टाइप की होती हैं। एक होता है जिसमें कि जालक के बीच के स्पेस में दूसरे तत्व के परमाणु प्रवेश कर लेते हैं, और एक मिश्र धातु प्रतिस्थापी होती है जो कुछ परमाणुओं को हटाकर उनका स्थान ग्रहण कर लेती है। तो ये जो धातुएं हैं ये दोनों प्रकार के मिश्र धातुओं का निर्माण करती हैं, अंतराकाशीय और प्रतिस्थापी। अंतराकाशीय मतलब जिसमें कि बीच के स्पेस में दूसरे तत्व आ जाएं, और प्रतिस्थापी मतलब जिसमें से कि परमाणु अलग हो जाएं। नेक्स्ट गुण इनका हम देखेंगे, ये रंगीन आयन का निर्माण करते हैं। जितनी भी संक्रमण धातुएं होती हैं वो रंगीन आयन का निर्माण करती हैं। इसका कारण यह है कि इसमें एस ब्लॉक और एस कक्षक और डी कक्षक की जो ऊर्जा होती है वो लगभग समान होती है, और यदि इनको थोड़ी सी अतिरिक्त ऊर्जा दी जाए तो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन उच्च स्तर में चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और यहाँ जाने के लिए उन्हें जो अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसका दृश्य प्रकाश से शोषण करते हैं, और दृश्य प्रकाश में से जिस भी ऊर्जा को वो सोख लेते हैं उसके अतिरिक्त जो ऊर्जा बची रहती है वो उस रंग के यौगिक दर्शाने लगते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के जो यौगिक होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कॉपर सल्फेट है, इनके जो कलर होते हैं वो ज्यादातर ब्लू होते हैं कॉपर के यौगिकों के, क्योंकि जो कॉपर होता है उसके यौगिक उसके इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो वो लाल रंग के प्रकाश क्षेत्र से ऊर्जा को सोख लेते हैं, तो लाल रंग का शोषण हो गया तो जो बचा हुआ ज्यादातर कलर रह जाता है नीले रंग का, तो नीले कलर से मिक्स कलर जो होते हैं वो कॉपर के तत्व दर्शाते हैं। सेम इसी तरह बाकी जो धातुएं हैं वो भी यही करती हैं, जो धातु जिस कलर का शोषण करेगी उसके अलावा जो तत्व उसके संगत जो कलर रह जाते हैं उस कलर के उसके यौगिक हमको दिखाई देते हैं। इसको हम देखते हैं किस तरह से ये चेंज होते हैं कलर। ये देखिए अगर बैंगनी रंग उन्होंने अवशोषित कर लिया है तो अवशोषित रंग बैंगनी नीला हो गया, प्रेक्षित रंग क्या हो जाएगा नारंगी, बचा हुआ रंग ज्यादातर लाल नीला लाल पीला नारंगी बचेगा तो कलर ये हो जाएगा। इसी तरह अगर हरा रंग अवशोषित कर लिया है तो उसका कलर पीला बैंगनी इस तरह से हो जाएगा। तो ये कलर निर्भर करता है कि उसने कौन से कलर का अवशोषण किया है। तो ये डी ब्लॉक तत्वों का गुण है कि वे रंगीन आयन बनाते हैं। इसके अलावा उनका लास्ट गुण है अपचायक गुण, ये बहुत अच्छे अपचायक होते हैं। संक्रमण धातुएं क्योंकि क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें आयनन ऊर्जा का मान उच्च होता है, वाष्पन ऊर्जा का मान भी उच्च होता है, और जल योजन ऊर्जा का मान निम्न होता है। तो इस तरह से हम डी ब्लॉक तत्वों की के गुणों को दर्शा सकते हैं। मुख्य गुण आप इसमें बताएंगे धात्विक लक्षण होते हैं, गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं और अपचायक गुण को दर्शाते हैं। इस क्लास में हमने केवल डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, इसी चैप्टर में आगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है जिसको हम किसी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज केवल हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ही गुण का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।